हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं एचआर टैग क्या होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। ये सेम हमारे बीआर टैग के जैसा ही होता है। आज हम सीखेंगे कि एचआर टैग क्या होता है, जिसका मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल एलिमेंट। यानी कि इसका काम क्या होता है, हॉरिजेंटल रूल एलिमेंट होता है, जो एचआर की फुल फॉर्म होती है, हॉरिजेंटल रूल होती है। और ये क्या होता है, एक प्रकार का एलिमेंट होता है हमारा। इसके लिए हम किसका, एचआर टैग का यूज करते हैं। अब एचआर टैग का हम यूज किस लिए करते हैं या फिर क्यों करते हैं, तो हॉरिजेंटल रूल, जैसे कि हॉरिजेंटल से ही पता चल रहा है कि अगर हमें एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए अपने प्रोग्राम में या फिर अपने पेज में, कहीं पर भी अगर हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, तो उस कंडीशन पर हम एचआर टैग का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, एक प्रकार से सेक्शन में डिवाइड कर देता है। मान लेते हैं यहाँ पर आपने कुछ चीजें लिखी हुई है, उसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप देखते होंगे कि कुछ लाइनें हमें दिखाई देती हैं। जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे कि काफी सारे सेक्शन में डिवाइड होता है इस प्रकार से, और यहाँ पर कुछ चीजें हमारी होती है, उसके बाद फिर सेक्शन होता है। तो इस प्रकार से काफी सारे सेक्शन बने हुए होते हैं। तो एचआर टैग क्या करता है, एक हॉरिजेंटल लाइन क्या करता है, आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करता है, जिससे क्या होता है, जो भी आपका डेटा होता है, कंटेंट होता है, वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है अलग अलग ब्लॉक में, यानी कि अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। तो एचआर टैग क्या करता है, हॉरिजेंटल लाइन को अगर आपको अपने पेज पर लाना है, तो उस कंडीशन पे आप हॉरिजेंटल टैग का यूज करेंगे, यानी एचआर टैग का यूज करेंगे। अब सबसे पहले इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको यूज करके देखने वाले हैं, वहीं से ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, अच्छे से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले इस एक एक प्रकार से इसका काम क्या होता है, अगर अपने पेज पर आप ब्रेक लाना चाहते हैं, पेज ब्रेक लाना चाहते हैं, यानी कि अपने पेज को डबल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसका भी काम हमारा क्या करता है, एचआर टैग करता है। यानी कि हमारा एक सिंगल पेज है, इसमें मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, और भी पार्ट अगर आप चाहते हैं तो और भी एक एचआर टैग आप यूज कर लीजिए, वो थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, आपका पेज डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम कोड लिखते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्पैन बनाया हुआ है। अगर मैं इसी में अप्लाई करूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जैसे ही हमारा स्पैन वाला सेक्शन फिनिश होता है, उसके जस्ट बाद क्या आ जाए, हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाए, यानी कि उसके बाद हमारा पेज क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो एचआर टैग हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। एक जो हमारा एचआर टैग होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एचआर टैग क्या होता है, ये एक क्या होता है, हमारा सिंगल टैग होता है, यानी कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं होता है, एक सिंगल टैग होता है, पेयर में नहीं होता है, जैसे हमारा बी आर टैग होता था, वैसे ही हमारा क्या होता है, ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, ये पेज ब्रेक करने के लिए होता है हमारा एच आर टैग। यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, अगर पेज ब्रेक करना है तो आप एच आर टैग का यूज करेंगे, लाइन ब्रेक करना है तो बी आर टैग का यूज करेंगे। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, सिंगल टैग होते हैं, यानी कि इसमें पेयर में नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल सा क्या कर देना होगा, जहां से आप ब्रेक करना चाहते वहां पे HR लिख देंगे। मैंने HR टैग का यहां पर यूज किया हुआ है। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। अभी तक हमारा पेज नॉर्मल है, मैंने रिफ्रेश किया तो यहां से क्या हो चुका है, जो हमारा पेज है वो सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। यहां से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, यहां से हमारा पेज क्या हो गया है, सेकंड पे आ चुका है, यानी कि हमारा पेज ब्रेक हो चुका है, अलग अलग सेक्शन में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। अगर मैं यहां पर और भी चीजें ऐड करूं, मान लेते हैं मैंने यहां से क्या किया है, इसको हटाते हैं सबसे पहले, यहां से मैंने कुछ पैराग्राफ बनाए, यहां से पी टैग का यूज किया, दिस इज पैराग्राफ, पैराग्राफ मैंने लिखा वन। उसके बाद मैंने यहां पर एक और पैराग्राफ बनाया, कंट्रोल सी, और मैंने यहां पर कंट्रोल बी कर दिया, कंट्रोल बी, और यहां पे ये हो जाएगा मेरा पैराग्राफ सेकंड, और ये हो जाएगा यहां से थर्ड। उसके बाद मैंने यहां पर एक हेडिंग भी क्रिएट कर ली, हेडिंग मैंने H1 के अंदर यहां पर बनाया, हेडिंग क्या है हमारी, पैराग्राफ, मैंने हेडिंग का नेम ही पैराग्राफ दे दिया, और यहां से मैंने इसको सेव किया। और यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करते हैं, अभी हमारा नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पर पैराग्राफ एक हेडिंग है, उसके बाद यहाँ पर मैंने जूम किया हुआ है, दिस इज पैराग्राफ वन, दिस इज पैराग्राफ टू, दिस इज पैराग्राफ थ्री, यहाँ पर थ्री है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जो हमारी हेडिंग है, इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा पेज ब्रेक हो जाए, यानी कि हेडिंग एक प्रकार से क्या हो जाए, हमारी
ब्रेक हो जाए एचआर, यहां से मैंने किया लगा दिया यहीं पे उसके जस्ट बाद, और यहां से मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो यहां से आप देख सकते हैं पैराग्राफ उसके बाद हमारा जो पेज ब्रेक है वो यहां पर हो चुका है, एक हमारी हॉरिजेंटल लाइन आ चुकी है, उसके बाद सारा कंटेंट हमारा क्या हो रहा है, सारे हमारे पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहे हैं। इसको हम कहां पर एक्चुअल में यूज करके देखने वाले हैं, इसको हम आपको अपने पोर्टफोलियो पेज जो हमने बनाया था वहां पर यूज करके दिखाते हैं, वहां पर और अच्छा इसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा। तो यहां से हम अपने पेज को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं जो हमने बना रखा था, और इसमें हम ऐड करने वाले हैं और जो इसका रिजल्ट आने वाला है उसको हम लेते हैं सबसे पहले यहां से, यहां पर हम जाएंगे और इसका सबसे पहले इसको हमने सेव कहां किया था, पोर्टफोलियो पेज नेम से, और यहां पर हमारा ये पेज था, इसको मैंने क्या कर लिया यहां से ओपन कर लिया है, और यहां से आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। इसमें मुझे क्या करना है, जैसे यहां पर शिवांगी मौर्य दिख रहा है, आई लव टीच, उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेक्शन है जिसके अंदर हमने नेम लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं ये अलग हो जाए, और एजुकेशन वाला सेक्शन अलग हो जाए, स्किल का अलग हो जाए, हॉबीज का अलग हो जाए, और कंटेंट का अलग हो जाए। इन सभी को हम सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला इतने पार्ट को हम चाहते हैं ये इसके बाद हमारी क्या हो जाए, एक हॉरिजेंटल लाइन डिस्प्ले हो, ताकि हमें पता चल सके यहाँ का सेक्शन अलग है। तो यहाँ पे हमने एच आर टैग का यूज कर लिया, इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सेव करते हैं और उसके बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेक्शन में डिवाइड हो गया। इसी प्रकार से मैं चाहती हूँ एजुकेशन का भी हो जाए, स्किल का भी हो जाए, सभी का हो जाए, तो सभी के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके जस्ट बाद यहाँ पर एजुकेशन के लिए इसके जस्ट बाद हम चाहते हैं कि ये भी अलग डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर भी एक एच आर टैग को हम ऐड कर देंगे और सेव करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा पोर्टफोलियो पेज है वो अलग अलग सेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से देखने में इसका जो लुकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, कौन किसका पार्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक और सेक्शन ऐड कर दिया स्किल के लिए भी, ये पार्ट को भी मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, एच आर टैग का मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से हॉबीज वाले को भी कर दिया, यहाँ से मैंने एच आर टैग का यूज़ कर लिया, और कंटेंट का तो सेम ही है, वो ऑटोमेटिक ही हो गया है, लास्ट में आ रहा है, और यहाँ से मैंने सेव किया और पेज को अपने रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से सारे पार्ट हमारे क्या हो गए हैं, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो चुके हैं, यानी पेज ब्रेक हमारा जब यूज़ हुआ है तो यहाँ से हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन आ चुकी है, जिससे सारे जो हमारे यहाँ पर सारी चीजें थी वो सारे अलग अलग कंटेंट में क्या हो गए हैं, यहाँ पर डिवाइड हो चुके हैं, अलग अलग सेक्शन में आ गए हैं। तो इसको हमने इस प्रकार से पोर्टफोलियो पेज में अपने यूज करके दिखाया कि किस प्रकार से आप भी इसको अपने पोर्टफोलियो पेज के अंदर यूज करेंगे और वहां से इसको सेक्शन में क्या कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे एच आर टैग की हेल्प से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।